नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गुर्जर। और जैसा कि आप जानते हैं, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का इस दिन प्रेम प्रसंग काफ़ी अच्छों से चल रहा है और सभी को ये पता है कि इस टाइम एक दूसरे को टाइम दे पा रहे हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इन दोनों की शादी होने वाली है, लेकिन ये पता नहीं है कि ये शादी आखिर कब तक हो पाएगी। एक दूसरे को डेट करते करते इनको काफ़ी टाइम हो चुका है, 5-6 महीने से एक दूसरे के साथ हैं। आपने देखा होगा रणबीर कपूर और सलमान खान की, और सलमान खान की अभी मूवी आ रही है रेस्त्री। वैसे तो सलमान खान और रणबीर कपूर इस टाइम दोनों ही अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हैं, क्योंकि कैटरीना के बीच सब कुछ ठीक नहीं रहा इन दोनों का, सलमान का और रणबीर कपूर का। इन दोनों में ही काफ़ी झगड़ा रहा था। बीते दिन सलमान ने टाइगर जिंदा है की शूटिंग की थी, दोनों काफ़ी करीब आ गए थे, लेकिन रणबीर इस बात से उनसे काफ़ी खफा हैं क्योंकि वो सलमान को पहले से ही नापसंद करते हैं। सलमान और रणबीर अक्सर एक दूसरे से झगड़े के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। रणबीर कपूर और कैटरीना का रिलेशन 5 साल तक चला था, 5 साल में काफ़ी ज़ोर शोर से चला था। ये दोनों की खबर आई थी कि ये दोनों जल्दी ही शादी कर लेंगे, लेकिन ये नापसंद आया और इन दोनों का आखिर ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप की वजह बने थे खुद सलमान खान। सलमान खान, रणबीर कपूर सलमान खान की हर हीरोइन के साथ मूवी कर चुके हैं। अब तक उन्होंने उनकी कोई भी हीरोइन ऐसे नहीं छोड़ी जिसके साथ उन्होंने मूवी नहीं की हो, चाहे वो दीपिका पाडुकोण हो या ऐश्वर्या राय बच्चन हो, कोई भी हो, उन्होंने हर किसी के साथ मूवी किए हैं। कैटरीना कैफ से तो उन्होंने लगभग 5-6 मूवी कर चुके हैं। इस टाइम रणबीर कपूर के पिताजी जो कि ऋषि कपूर आलिया भट्ट को काफ़ी पसंद करते हैं और उनकी फैमिली में उनको सबसे ज़्यादा प्यार दिया जाता है। यहाँ तक कि ऋषि कपूर ने तो इस शादी को ऐलान भी कर दिया कि जल्दी से जल्दी 2019 से पहले ही हम शादी कर लेंगे। नीतू कपूर ने तो बोल दिया कि मैं इसको पहले से ही बहू मान चुकी हूँ आलिया को। आलिया के बर्थडे पे अभी नीतू कपूर ने उनको विश किया था और उनके घर पे गई थी, उनकी मम्मी से बात की थी, यहाँ तक कि महेश भट्ट से उनकी खुद बात की। इन दोनों ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं की शादी करने की, लेकिन जल्दी ही इनकी शादी। नीतू कपूर को शुरू से ही आलिया भट्ट काफ़ी पसंद थी और इन दोनों के बीच में कमेंट देती रहती हैं नीतू कपूर की, मैं इसको बहू मान चुकी हूँ। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इनकी शादी हो पाएगी? अगर आपको लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। बीते दिनों रणबीर कपूर और आलिया भट्ट एक दूसरे को काफ़ी टाइम दे पा रहे हैं, जो कि ऋषि कपूर को काफ़ी पसंद आ रहा है और उन्होंने ट्विटर पर एक कई बार पुष्टि भी की है कि इन दोनों की शादी ही हम जल्दी से जल्दी करवा देंगे। एक दूसरे को टाइम दे पा रहे हैं इस टाइम। रणबीर कपूर जो कि अभी संजू की शूटिंग करने में काफ़ी व्यस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक दूसरे को टाइम दे पा रहे हैं। और देखा जाए तो एक दूसरे की पार्टी में एक दूसरे के साथ जाते हैं पार्टी में। अभी सोनम कपूर की शादी में ये दोनों साथ ही दिखे थे, एक साथ ही आए थे। इस टाइम सलमान खान की मूवी आ रही है रेस्त्री। सलमान खान की मूवी रेस्त्री को कितना टक्कर दे पाती है रणबीर कपूर की संजू, आके देखना होगा। चलिए दोस्तों, इस पर आपको बता दें कि आलिया भट्ट आखिर किन किन की फेवरेट है। सबसे ज़्यादा ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन की फेवरेट है। दोस्तों आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ दोस्तों।